तो थाना तुम्हारा, जिला तुम्हारा, तहसील तुम्हारी, लूटो जितने दोनों हाथ में लूट सकते, लूट चलो। मार लगी हुई, अगर बसपा की सरकार आई तो थाना तुम्हारा, इलाका तुम्हारा, बाकी सब जाए जहां जाना। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत नगर विधानसभा से प्रत्याशी रितेश गुप्ता के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यक्रम मुरादाबाद के एक निजी होटल में आयोजित किया गया, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने पहुंचकर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मुरादाबाद जनपद में विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत एक कार्यक्रम मंजुला थाना इलाके में स्थित एक निजी होटल में आयोजित किया गया, जिसमें विधानसभा के चुनाव को लेकर एक जनसभा आयोजित की गई, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी और जनता के लाभ के बारे में बताया। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर के दंगे भूल गए क्या? तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रदेश सरकार फेल हो गई है, एक पक्ष के हित में काम कर रही है। 2007 में प्रदेश के गोरखपुर में हुए दंगे, इसके आरोपित को NIA ने पकड़ा। अखिलेश यादव ने दोनों के खिलाफ केस बंद कर दिया, पर आज वे जेल में हैं। रामपुर के CRPF कैंप पर हमला हुआ, अखिलेश ने केस वापस ले लिया, तब कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई, तब केस चला और दोषियों को सजा हुई। सपा में कार्यकर्ता बनने की पहली शर्त है कि गुंडा होना चाहिए। हर चुनाव में उनकी तरफ के चेहरे बदल जाते हैं। हम कहते हैं कि सब मिलकर आ जाओ, प्रदेश की जनता हमारे साथ है। वो ये है कि अकेले हमारी ही पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और हमारे ही पार्टी के नेता हैं जो ये दम भर करके कह सकते हैं कि जो हमने कहा था वो किया है, जो कहेंगे वो करेंगे, ये हम ही कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम, डेवलपमेंट के नाम पर लोगों की तस्वीर और तकदीर बदले, इसके लिए, गरीब के लिए काम करने वाली पार्टी के रूप में काम करती है और छाती ठोक करके कहती है कि हम ये काम कर रहे हैं। स्वच्छता की बात तो गांधी जी करते थे, असल गांधी जी तो चले गए महात्मा जी, उसके बाद जितने गांधी आए उन्होंने सिर्फ उसकी राजनीति की, कोई फर्क नहीं पड़ा। सिर्फ जब नरेंद्र मोदी आए तो लाल किले के प्राचीर से कहा कि स्वच्छता अभियान चलेगा और स्वच्छता लाई जाएगी। लगाने वाले लोग, ये नए नए लुभावनी बातें करने वाले लोग इस तरीके की बातें आप सबके सामने करते हैं। मित्रों, दूसरा मुद्दा है वो किसी जाति का, उसकी सरकार चलाती, किसी वर्ग विशेष की सरकार चलाती। सपा आएगी तो इनको, इनके थाने होंगे, बसपा आएगी तो इनके थाने और जिले होंगे। ऐसी सरकारें चलाई है कि नहीं चलाई है? मैं ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? जरा जोर से बोलो, ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? मुझे मालूम आप काफी देर से बैठे हैं, थोड़े थक गए हैं, लेकिन यानी अगर सपा की सरकार आई तो थाना तुम्हारा, जिला तुम्हारा, तहसील तुम्हारी, लूटो जितने दोनों हाथ से लूट सकते, लूट चलो। मार लगी हुई, अगर बसपा की सरकार आई तो थाना तुम्हारा, इलाका तुम्हारा, बाकी सब जाए जहां जाना है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब आती है तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास लेकर के।